यहाँ पर आपको खबर दें कि कराची मैट्रिक बोर्ड में हजारों तलबा के फेल होने के मामले पर डॉन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद अहम पेशरफ्त सामने आई। मैट्रिक बोर्ड में ओएमआर मशीन की गलती से फेल होने वाले तलबा के नतीजे तब्दील करके उन्हें कामयाब करार दिया गया। ओएमआर मशीन ने दो के बजाय एक हिंसे को सिस्टम पर महफूज करके नतीजा बनाया, जिसकी वजह से सैकड़ों तलबा नाकाम करार पाए थे। डॉन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद कराची के तलबा का मुस्तकबिल संवरना शुरू हो गया। कराची में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह की हिदायत पर इंतजामिया ने ओएमआर मशीन की गलती से फेल तलबा के नतीजे तब्दील करना शुरू कर दिए। ओएमआर मशीन ने दो हिंसों में मिलने वाले मार्क्स को एक हिंसे को सिस्टम पर महफूज करके नतीजा बनाया। मशीन की गलती का एतराफ चेयरमैन बोर्ड के बाद नाजिम इम्तहानात ने भी कर लिया। तकरीबन 1500 या 2000 केसेस थे, वो हमने निमटा दिए हैं और उनको बच्चों को मार्कशीटें मिलना शुरू हो जाएंगी। वो मशीन की गलती से जो आई थी उसको कर दिया। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं उनको भी रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट है ये 1,63,000 का, तो उसमें 1% 2% चांसेस होते हैं एरर के। तो ये थोड़ा सा जो एरर था मशीन का वो हमने सही कर लिया उसको जंगी बुनियादों पर। मशीन की गलती से नाकाम होने वाले तलबा पास होने वाली नई मार्कशीट देखकर खुशी से खिल उठे। तलबा के वालिदैन ने फेल तलबा का मामला उठाने पर डॉन न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करेंगे आपको सलाम दोनों हाथों से, बच्चों की तरफ से, वालदेन की तरफ से। स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस मसले को उठाया और इसको उजागर किया। इंटरमीडिएट बोर्ड को भी गवर्नर सिंह ने 10 रोज का वक्त दिया है और हिदायत की है कि फर्स्ट ईयर में बड़ी तादाद में फेल तलबा के नतीजे को दोबारा से चेक किया जाए। कैमरामैन साजिद खान के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज़ कराची।